हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड आई एम इंग्लिश ट्रेनर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं सिखाने जा रहा हूं पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, जो कि बिगिनर्स लोगों के लिए है। बट गाइस, मैं इतना बता दूं कि पास्ट इंडेफिनिट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं आता है, इट मीन्स कि जब आप इंग्लिश में किसी से बातचीत करेंगे तो एक ऐसी चीज होगी जहां पर आप अटक जाएंगे, और वो है स्टोरी टेलिंग। क्योंकि हर व्यक्ति अपने किसी साथी से कोई ना कोई कहानी जरूर सुनाता है। मान लीजिए कि आपने ऑफिस में पूरे दिन क्या किया, जब आप ऑफिस से घर आते हैं तो मे भी अपने फैमिली मेंबर्स को या दोस्तों को वो बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा ऑफिस में हो गया, या आप कहीं पर गए थे, किसी टूर पर गए थे, आउट ऑफ स्टेशन गए थे, और वहां जो जो हुआ वो सारी इंफॉर्मेशन जो आपके माइंड में है उसे आप शेयर करना शुरू करते हैं, एक कहानी सुनाते हैं। और वो कहानी आप तब तक नहीं सुना सकते हैं फ्रेंड्स, जब तक कि आपको पास्ट इंडेफिनिट नहीं आएगा। देखते हैं क्या होता है पास्ट इंडेफिनिट। गाइस, ये है पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर क्या यूज है उसका, यूज पर काम करते हैं कि इस्तेमाल कहां है, ऐसी कौन सी सिचुएशन होगी जहां पर पास्ट इंडेफिनिट का हम इस्तेमाल करेंगे। गाइस, यहां लिखा है कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट में, पास्ट मतलब जो टाइम बीत गया, किसी एक पर्टिकुलर समय में, कल, परसों, चार साल पहले, दो मिनट पहले, आपने जो जो किया, जो जो एक्शन आपने कंप्लीट किया। मान लीजिए आधा घंटा पहले आपने खाना खाया, कल आप बाजार गए थे, आपने जो जो किया किसी पर्टिकुलर टाइम में, वो एक्टिविटी जो है वो दिखाने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। तो यही रूल कह रहा है कि भाई कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट। मान लीजिए ये एक लड़की है, अब इस लड़की के दिमाग में बहुत सारी बातें हैं। मान लो इसके दिमाग में कुछ बातें हैं जो कल हुआ, यस्टरडे कुछ हुआ वो इसके दिमाग में है, हो सकता है कि चार साल पहले, फोर इयर्स अगो कुछ हुआ था, वो भी इसके दिमाग में है। तो इसके दिमाग में पूरी कहानी है, और जब वो कहानी को सुनाना शुरू करेगी, जब वो एक्सप्लेन करेगी, अपनी बातों को बाहर वो निकालेगी, उस वक्त जो उसे जरूरत पड़ेगी सबसे ज्यादा, वो पास्ट इंडेफिनिट की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि वो बोलेगी कि कल मैं वहां गई, ये हो गया, वो हो गया, अब ये हो गया, वो हो गया, कहने के लिए पास्ट इंडेफिनिट चाहिए। तो आप समझ पा रहे हैं दोस्तों, कंप्लीटेड एक्शन इन पास्ट का क्या मतलब है। तो अब इसे बोलने के लिए सिर्फ हमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म की जरूरत पड़ती है दोस्तों। तो जिन लोगों को सेकेंड फॉर्म नहीं आता है वो नहीं बोल पाएंगे, तो आपको सेकेंड फॉर्म आना बहुत जरूरी है। तो पहला यूज तो हो गया कि एक बीते हुए टाइम में आपने जो भी किया वो सारा पास्ट इंडेफिनिट है। दूसरा जो इसका इस्तेमाल है वो कहता है कि हैबिचुअल एक्शन इन पास्ट, यानी कि पास्ट में आपकी कुछ हैबिट बन गई थी, आप वो करते थे। जैसे आप बोलो कि पहले मैं हमेशा पार्क जाता था, और मैं पहले तो हमेशा उससे लड़ता था, मैं कभी कभी वहीं पर सो जाता था। मतलब ये एक हैबिट आप दिखा रहे कि ऐसा पास्ट में होता था। वो हैबिट दिखाने के लिए वैसे तो लोग यूज्ड टू का इस्तेमाल करते हैं, वुड का भी इस्तेमाल होता है, बट पास्ट इंडेफिनिट भी आपको ये हक देता है कि आप वो हैबिट इस पास्ट इंडेफिनिट यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म में बता सकते हैं। लेकिन आपको बीच बीच में ये दिखाना पड़ेगा। जैसे अगर अक्सर बोलना है, जैसे हमेशा बोलना है, तो ऑलवेज बोलिए कि मैं ऑलवेज वहां बैठा करता था, तो आप ऑलवेज से दिखाइए। ऑफन यानी कि अक्सर, यूजुअली अक्सर, ये भी यूजुअली में आता है कि बिल्कुल ज्यादातर मैं ऐसा ही करता था, यूजुअली कर देते हैं। नेवर मतलब कभी नहीं, या कई बार इंसान ऐसे बोलता है कि जब मैं 7 साल का था तो मैं हमेशा वहां जाता था, तो ऐसे बोलता है व्हेन आई वाज 7 इयर्स ओल्ड, फिर वो एक सेंटेंस बोलता है। तो आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो इस्तेमाल होता है कि आपने किसी बीते हुए टाइम में जो जो किया, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट, और कभी कभी हैबिचुअल एक्शन दिखा सकते हैं। हालांकि इसको लोग यूज टू में ज्यादा दिखाते हैं, यूज टू करके अपनी हैबिट को दिखाते हैं जो पास्ट में होता था। अब हिंदी मीडियम पे आते हैं कि जो लोग हिंदी की किताबों में पढ़ते हैं फ्रेंड्स, वो पहचान के चक्कर में रहते हैं कि भाई सेंटेंस के अंत में आखिर क्या ऐसी पहचान हो कि हम समझ पाए कि पास्ट इंडेफिनिट है। तो भाई अब चूंकि हिंदी मीडियम के हिसाब से देखे तो सेंटेंस में ऐसी पहचान आएगा कि मैं वहां गया, तो पहचान में आ जाएगा आ। हालांकि अंग्रेजों को इससे कोई लेना देना नहीं कि आप हिंदी में आ सोचते हो कि ई सोचते हो, उन्हें तो बस इतना पता है कि सिचुएशन यह है कि किसी बीते हुए टाइम में घटना घट गई। अब चूंकि हिंदी में आप सोच रहे हो तो आ भी हो सकता है, ई भी हो सकती है कि वह कल बाजार गई, ए भी हो सकता है कि कल वे लोग ऑफिस गए, तो आ ई ए पे भी खत्म हो सकता है। तो अगर आप पहचान देखें तो पहचान नंबर 1। एक और पहचान है
कई बार लोग कहते हैं कि कल मैं बाजार गया था, तो ये गया था भी हो सकता है, वह मुझसे मिली थी, वे लोग बाजार गए थे, तो इसमें था थे थी लगा भी हो सकता है। अब जो लोग हिंदी मीडियम से हैं वो उन्हें क्या लगता है कि जिधर था थे थी आ रहा भैया वो तो वाजवर है, उनके दिमाग में बैठ गया है कि जहां था वो वाज। लेकिन दोस्तों हर पीली चीज सोना नहीं हो सकती है, तो हर था वाजवर नहीं हो सकता है। तो याद रखिए, अगर आप हिंदी में सोच रहे हैं कि कल मैं ऑफिस गया था, तो इस था को कृपया आप वाजवर न समझे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होने वाला है। और एक और पहचान है, अगर आप हिंदी में सोचते हैं तो उसमें ता भी लगा होगा और था भी लगा होगा। जैसे आप कहते हैं मैं जानता था वो मुझसे बहुत प्यार करती थी, तो ती थी, वे लोग नोएडा में रहते थे, ते थे। तो कुल मिलाकर के ये तीन तरह के पहचान आपको हिंदी में मिलेंगे जो हिंदी मीडियम की तरफ से सोचते हैं। और अलग अलग जगहों पर अलग अलग भाषाएं हैं, तो मैं उतने पहचान तो नहीं बताऊंगा। सिचुएशन ये है कि बीते हुए टाइम में क्या क्या हुआ। डन। अब आते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है। तो गाइस सबसे पहले देखिए पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव मतलब कि आपने जो भी किया या किसी ने जो भी किया किसी बीते हुए टाइम में, वो सेंटेंस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रक्चर पे बनेगा। उसके लिए सबसे पहले उठाइए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, कोई भी हो, सिंगुलर, प्लूरल, वो सारे सब्जेक्ट हैं। और सबके साथ आपको सिर्फ लगाना है वर्ब की सेकंड फॉर्म। यानी कि अगर गो है तो वेंट बोलना है, ईट है तो एट बोलना है, ड्रिंक है तो ड्रैंक बोलना है आपको सेकंड फॉर्म। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट लगाइए। अगर आपको बोलना है कि कल मैं बाजार गया, तो आप हिंदी मीडियम से भी देखेंगे तो गया, आप पे बात खत्म हो गई। और वैसे देखिए तो कल यानी कि यस्टरडे, और यस्टरडे मेरा कौन सा एक्शन कंप्लीट हुआ, बाजार जाने का काम हुआ। तो आप कह सकते हैं कि आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, यानी कि कल मैं बाजार गया। अब ऐसे आप हजारों सेंटेंस बोल सकते हैं। कल मैं सुबह 6 बजे उठा, आई गॉट अप एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग यस्टरडे। मैं ऑफिस गया, आई वेंट टू ऑफिस। मैं अपने दोस्त से मिला, आई मेट माय फ्रेंड। मैंने कल तुम्हें देखा, आई सॉ यू यस्टरडे। और ये टेंस इतना इंपॉर्टेंट है कि जो लोग कॉल सेंटर का इंटरव्यू देते हैं दोस्तों, उनसे कई बार पूछ लिया जाता है कि टेल मी समथिंग अबाउट योर यस्टरडे एक्टिविटीज, आपने कल क्या क्या किया जरा बताइए, या लास्ट दिवाली आपने क्या क्या किया जरा बताइए। और लोग नहीं बता पाते हैं क्योंकि वो सेकंड फॉर्म में कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं पास्ट में बोल रहा था कि प्रेजेंट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग इंटरव्यूज देते हैं उसके लिए भी गाइस, उनके लिए भी। तो ये आपने देखा कि पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म लगाना है। अब नेगेटिव में देखते हैं गाइस। नेगेटिव में क्या होगा फ्रेंड्स, सब्जेक्ट होगा, आपको नेगेटिव में डिड नॉट लगाना है। डिड नॉट, जिसको शॉर्ट में डिडंट भी कहते हैं, और स्पोकन में और भी शॉर्ट करते हैं तो लोग डिडंट बोल देते हैं। हालांकि अगर आप ईमेल राइटिंग लिखेंगे या कहीं ऑफिशियल कुछ लिखते हैं तो डिड नॉट और डिडंट ये ऑफिशियली चलता है, और लोग स्पोकन में डिडंट बोल देते हैं, तो डिडंट स्पोकन में काफी हद तक चलता है। तो ये हो गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अब तक आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोल रहे थे, लेकिन जैसे आप नेगेटिव बोलेंगे, जैसे आप डिडंट बोलेंगे, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगी। यानी कि अगर आपने बोला कि कल मैं बाजार गया, आई वेंट टू मार्केट यस्टरडे, अगर आपने बोला कि कल मैं बाजार नहीं गया तो आई डिडंट गो टू मार्केट, वेंट नहीं होगा फिर, गो टू मार्केट। तो याद रखिए। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, जैसे आई डिडंट गो टू ऑफिस यस्टरडे, कल मैं ऑफिस नहीं गया। अब आपको बोलना है कि मैंने तुम्हें नहीं देखा, आई डिडंट सी यू। कल मैंने खाना नहीं खाया, आई डिडंट ईट फूड यस्टरडे। वह मेरे पास नहीं आई, शी डिडंट कम टू मी। उसने मुझे पैसे नहीं दिए, शी डिडंट या ही डिडंट गिव मी मनी। इस तरीके से आप डिडंट का इस्तेमाल करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है इंटरोगेटिव, यानी कि आप सवाल कैसे पूछेंगे। तो सवाल पूछने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब डिड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यानी कि देख लीजिए कि सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में ही सेकेंड फॉर्म है। नेगेटिव में डिडंट बोला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इंटरोगेटिव में डिड से सवाल पूछ रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद ऑब्जेक्ट, अगर पूछना है कि क्या कल तुम ऑफिस गए थे, किसी से हमें इंफॉर्मेशन निकलवानी है कि भाई तुम ऑफिस गए थे या नहीं, तो ये सवाल पूछने के लिए आपको पहले डिड लगाना होगा कि डिड यू गो टू ऑफिस यस्टरडे। और इतना इंपॉर्टेंट है कि कई बार इसका इस्तेमाल होता है और ज्यादातर इस्तेमाल होता है। मान लीजिए कि आपने कोई बाइक खरीदी और मुझे जानना है कि भाई क्या कल तुमने कोई बाइक खरीदी थी, तो डिड यू
परचेज अ बाइक yesterday? ऐसे हम सवाल करते हैं, क्या तुमने कल उसे देखा? डिड यू सी हिम yesterday? क्या कल रात को तुमने खाना खाया? डिड यू ईट फूड लास्ट नाइट? या डिड यू टेक डिनर लास्ट नाइट? ऐसे हम डिड का इस्तेमाल करते हैं guys. अब अगर इसमें आपको कब क्यों कहां लगाना है तो इस डिड से पहले यहां लगाइए डब्ल्यू एच. जैसे आप बाजार क्यों गए तो पहले वाई उसके बाद डिड फिर सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. आप बाजार क्यों गए वाई डिड यू गो टू मार्केट. आप बाजार किसके साथ गए विद हुम डिड यू गो टू मार्केट. आप कितने बजे सोए एट व्हाट टाइम डिड यू स्लीप. तो डिड बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिए. सारी जानकारी कि आपने पास्ट में क्या किया उगलवाने के लिए डिड आपको चाहिए और डब्ल्यू एच फैमिली तो चाहिए चाहिए. फिर आता है कि इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. कई बार इंसान बोलता है यार क्या कल तुम बाजार नहीं गए थे, क्या तुम बाजार नहीं गए थे, क्या और नहीं. इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव ये दोनों का मिश्रण है. इसके लिए आपको स्टार्टिंग में ही डिडंट बोलना होगा. डिडंट उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट. यानी कि डिडंट यू गो टू मार्केट यस्टरडे. क्या कल तुम ऑफिस नहीं गए थे. डिडंट यू गो टू ऑफिस यस्टरडे. क्या कल तुमने खाना नहीं खाया था. डिडंट यू ईट फूड यस्टरडे. और कई बार ऐसे ये तो स्पोकन के स्टाइल है डिडंट, कई बार ऐसे होता है डिड यू नॉट गो टू मार्केट यस्टरडे. क्या तुमने खाना नहीं खाया था. डिड यू नॉट ईट फूड. इस तरीके से आप बोल सकते हैं गाइस. तो गाइस आपने देखा पॉजिटिव नेगेटिव इंटरोगेटिव एंड इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव. अब मैं आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई स्टोरी सुनाएंगे तो स्टोरी का मतलब है कि पॉजिटिव सेंटेंस आपका आएगा. मान लीजिए मैं बोलता हूं कि कल शाम मैं पार्क गया तो मैं कैसे बोलूंगा. यस्टरडे इवनिंग आई वेंट टू पार्क. और मैं अपने दोस्त से मिला एंड आई मेट माई फ्रेंड. हम दोनों ने बातचीत की. हम दोनों वी बोथ टॉक्ड या वी बोथ हैड अ कॉन्वर्सेशन. उसके बाद मेरा दोस्त चला गया. आफ्टर दैट माई फ्रेंड वेंट अवे और मैं अपने घर वापस आ गया. एंड आई केम बैक टू माई होम. मैंने चाय पी. आई टुक टी. उसके बाद मैंने टीवी देखा. आई वॉच्ड टीवी. फिर मैंने खाना खाया. देन आई एट फूड या टुक डिनर हैड फूड कई तरीके हैं. फिर मैं सो गया. देन आई स्लेप्ट या आई वेंट टू बेड. ऐसे आप कहानी सुना सकते हैं. कुछ भी जो आपने किया दोस्तों वो आप सुना सकते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर. तो आप यूं कह लीजिए कि पास्ट इंडेफिनिट एक स्टोरी टेलिंग प्रोग्राम के लिए नंबर वन है. ये सीखने के बाद ना केवल आप स्टोरी सुना सकते हैं बल्कि आप दूसरे से उगलवा भी सकते हैं कि अच्छा एक बात बता, क्या कल तू पार्क गया था. डिड यू गो टू पार्क यस्टरडे. जवाब आएगा हाँ मैं पार्क गया था. यस आई वेंट टू पार्क यस्टरडे. तू पार्क किसके साथ गया था. विद हुम डिड यू गो टू पार्क. यार मैं पार्क अकेला गया था. आई वेंट टू पार्क अलोन. अकेला क्यों गया था. व्हाई डिड यू गो अलोन. यार मैं अकेला गया था क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलना चाहता था. आई वेंट अलोन बिकॉज आई वॉन्टेड टू मीट माई गर्लफ्रेंड. क्या तू मिला. डिड यू मीट. हाँ मिला ना. यस आई मेट. इस तरीके से गाइस आप कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं. सो स्टोरी टेलिंग और कॉन्वर्सेशन का ग्रेट मिश्रण है, ग्रेट पैकेज है पास्ट इंडेफिनिट. तो आई होप जो बिगिनर्स है उनके समझ में आया होगा दोस्तों. तो बस आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर. कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. अगर आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फ्रेंड्स. थैंक यू गाइस.